हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की मैथ्स की वर्कशीट 16 करेंगे। इस वर्कशीट में पार्ट 7, क्या तुम पैटर्न देख सकते हो के सवाल दिए गए हैं। बच्चों, जो आप त्रिभुज स्क्रीन पर देख रहे हो वह एक जादुई त्रिभुज है। जादुई त्रिभुज में किनारों में दी गई संख्याओं का योग बीच में दी गई संख्या के बराबर होता है। यानी जो किनारों पर 50, 80 और 20 दे रखा है, उन तीनों संख्याओं को यदि हम जोड़ लें तो 150 आएगा। आप खुद जोड़ के देखो, 50 में 20 जमा किया 70, और 70 में 80 जमा किया 150, 150 यानी 150 जो बीच में लिखा हुआ है, ये मैजिक ट्रायंगल यानी कि जादुई त्रिभुज कहलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ जादुई त्रिभुज दिए गए हैं, खाली स्थानों में सही संख्या को लिखिए। फर्स्ट मैजिक ट्रायंगल में हमें बीच में 75 दे रखा है और कोने पर 8 और 28, तीसरी संख्या हमें बतानी है। बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था, अगर हम तीनों कोनों की संख्याओं को जमा कर देते हैं तो बीच वाली संख्या आती है, पर यहाँ तो तीसरी संख्या दी ही नहीं रखी है, तो उसे कैसे निकालेंगे वो देखो। हम 8 और 28 को जमा करेंगे, जमा करने के बाद 36 आ जाएगा। अब इस 36 को 75 में से घटा कर देंगे, घटा करने के बाद 39 यानी कि 39 आएगा, और यही 39 हमारी तीसरी संख्या होगी। अब आप क्रॉस चेक के लिए 8, 28 और 39 को जमा करके देखिए, आपका आंसर 75 ही आएगा जो बीच में संख्या दे रखी है। नेक्स्ट भी ऐसे ही करेंगे, हमें बीच में 40 दे रखा है और कोनों पर 16, 9 और तीसरा खाली दे रखा है, तो हमें बताना है इस खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी। अगर बच्चों हम 16 और 9 को जमा कर दें और उस जमा करने के बाद जो संख्या आई है उसे 40 में से घटा दें तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। चलो करके देखते हैं, 16 में 9 जमा करो 25। अब इस 25 को 40 में से घटा कर दो, घटा करेंगे तो 15 आएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। नेक्स्ट है, हमें 48 दे रखा है बीच में और 10 और 11 कोनों पर दे रखा है और तीसरे कोने की संख्या बतानी है, तो सेम वही करेंगे, 10 और 11 को जमा कर दो 21 आएगा, 48 में से 21 घटा करो 27 आएगा, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट में बीच में 80 है और हमें एक कोने पर 12 दे रखी है और पूछा गया है बाकी की दो संख्याएं क्या होगी, तो आप इसमें 80 को घटा कर दो 12 से, घटा करने के बाद 68 आएगा यानी 68 आएगा। अब इस 68 को आप कैसे भी बांट कर लिख सकते हो, मैंने 48 और 20 में बांट कर लिखा है, आप चाहो तो अपनी तरफ से बनाकर कुछ भी लिख सकते हो, चाहे 28 40 लिखो, चाहे 10 और 58 लिखो, यानी कि आप कोई भी दो संख्या जो जिसकी जमा 68 हो वो यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई त्रिभुजों की तरह ही जादुई वर्ग भी होते हैं, जादुई वर्ग की आड़ी या खड़ी पंक्तियों में लिखी संख्याओं का योग समान होता है, एक उदाहरण को देखते हैं। जैसे बच्चों हमने पीछे मैजिक ट्रायंगल करे थे, ऐसे ही मैजिक स्क्वायर भी होते हैं। इसमें हम खड़ी तीनों संख्याओं को जमा करो या फिर आड़ी तीनों संख्याओं को जमा करो, आंसर सेम ही आता है, यानी जो संख्या मिलती है वो सेम मिलती है। हमें उदाहरण के लिए एक बॉक्स नीचे बना हुआ दे रखा है, इस जादुई वर्ग के हर डिब्बे में 46 से 54 तक की संख्याओं को इस तरह से लिखा गया है कि कोई भी संख्या दोबारा नहीं आए और आड़ी व खड़ी पंक्तियों का योग 150 हो। जैसे हर खड़ी पंक्ति का योग कितना दे रखा है, 150, 53 जमा 48 जमा 49 150, 46, 50, 54 150, 51, 52, 47 भी 150 यानी 150 आई। अब खड़ी पंक्तियों को देखो, 53 प्लस 46 प्लस 51 कितना हुआ, 150, वही 150। ऐसे ही 48 प्लस 50 प्लस 52 भी 150 ही हुआ, फिर 49 प्लस 54 और 47 को प्लस करेंगे तो 150 यानी 150 ही आएगा। तो आप संख्याओं को आड़ी या खड़ी कैसे भी जमा करके देख लीजिए, आंसर हमें सेम मिलेगा।
यही होते हैं मैजिक स्क्वायर। अब नीचे हमें कुछ मैजिक स्क्वायर यानी जादुई वर्क दे रखे हैं और हमें उनको खाली स्थानों को भरना है। पहले मैजिक स्क्वायर में हमें 11 से 19 के बीच की संख्याओं को ऐसे जमा करना है और हर पंक्ति में लिखना है कि उनका योग यानी उनका प्लस 45 आए, 45 आए। यानी मैं 18, 14 और एक संख्या ऐसी जमा करूं कि जिनका योग 45 आए। तो ऐसा मैं कैसे कर सकती हूं? 18 और 14 को जमा करो और फिर उसे 45 में से घटा कर दो। घटा करने के बाद 13 आंसर आएगा और यही 13 हमारी तीसरी संख्या होगी। ऐसे ही 18 और 16 को जमा करो और जो आया उसे 45 में से घटा कर दो। 11 आएगा आंसर लास्ट में, वही 11 हमारा 18 और 16 के बीच में आएगा। ऐसे ही बाकी के आंसर आ जाएंगे 17 और 19। नेक्स्ट है 21 से 29 के बीच की संख्याओं को ऐसे जमाओ कि हर पंक्ति का योग 75 हो। हमें 21 से 29 तक के बीच की संख्याएं लिखनी है और ऐसे कि उनका प्लस 75 आए। मैंने ऐसे ही करके लिखा हुआ है। 28 और 24 इन दोनों को जमा करो, जो आंसर आया उसे 75 में से घटा कर दो। और 23 आएगा तो उस 23 को बीच में लिख देंगे। अब क्रॉस चेक के लिए 28, 23 और 24 को जमा करके देखो, 75 ही आएगा। ऐसे ही बाकी के बॉक्सेस भर दो जैसे मैंने कर रखा है 21, 27, 22। आप करने की कोशिश करो और देखो ये ऐसे क्यों हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पैटर्न को समझो और पूरा करो। हमें नीचे संख्याओं का पैटर्न दे रखा है और हमें उसे समझना है। आप भी समझने की कोशिश करो। देखो ब्रैकेट में जो दे रखी है पहली संख्या 9 9 - 1 दे रखी है, नीचे वाली में 98 - 2, फिर उससे नीचे वाली में 987 - 3, फिर 9876 - 4। यानी इधर की साइड जो चल रही है वो 9 8 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5 ये संख्याएं हैं और भाग 8 करने के बाद 1 1 2 1 2 3 ऐसे आंसर आ रहे हैं। पहला देखो, 9 में से 1 को घटा करा और 8 से भाग किया तो 1 आंसर आया। अब 98 में से 2 को माइनस किया, 8 से भाग किया तो 1 2 आया आंसर। फिर थर्ड में 987 को 3 से माइनस किया और 8 से डिवाइड किया तो 1 2 3 आया आंसर। ऐसे ही 9876 को जब 4 से माइनस करेंगे तो और 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 आ जाएगा। हम भाग हमेशा 8 से कर रहे हैं और माइनस 1 2 3 4 ऐसे करके संख्याएं 8 तक आ रही हैं और जो शुरू वाले नंबर है वो 9 8 7 9 8 7 6 5 उल्टी गिनती चल रही है और जो आंसर आ रहा है वो बढ़ती गिनती चल रही है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही ये हमारा पैटर्न बनता चला जाएगा। जब लास्ट में हम 8 से माइनस करेंगे तो 1 से लेकर 8 तक की गिनती आ जाएगी आंसर में और साथ में जिससे हमने माइनस किया वो उल्टी गिनती 2 तक आ जाएगी। आप करके एक बार ये पैटर्न समझो और करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है अष्टभुज में पैटर्न। अभी तक हमने स्क्वायर और ट्रायंगल में पैटर्न किया था, अब हम अष्टभुज में पैटर्न करेंगे यानी ऑक्टागन में पैटर्न करेंगे। अष्टभुज को ऑक्टागन कहते हैं। पूजा ने एक जादुई अष्टभुज बनाया है, चलो देखते हैं इसका पैटर्न क्या है। इस अष्टभुज में कुछ आयत और गोले बने हैं, हर आयत की संख्या उसके साथ वाले गोलों की संख्या का गुणा है। यानी बच्चों जो गोले में संख्या लिखी हुई है उनको अगर हम गुणा करेंगे तो जो बीच की संख्या स्क्वायर की संख्या है वो आएगी। ऐसे सबसे ऊपर वाला देखो, 14 में 7 को गुणा करो, 14 7 98, तो बीच में 98 यानी 98 आ गया। अब 7 को 10 से गुणा करो, 7 10 70, बीच में 70 आ गया। अब 10 को 2 से गुणा करो, 20, तो बीच में 20 आ गया। अब 2 को 15 से गुणा करो, 15 2 9 30, 30 आ गया। अब 15 की गुणा 9 से करो, 15 9 135, तो बीच के आयत यानी स्क्वायर में 135 आ गया। अब 9 8 72, तो इधर 72 आ गया। फिर 8 की गुणा 14 से करो तो 112, और 14 की गुणा 14 से करेंगे तो 196 यानी 196 आंसर आएगा। और इस तरीके से हमारा मैजिक ऑक्टागन बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें ऐसे ही ऑक्टागन को कंप्लीट करना है। पहले ऑक्टागन में हम 11 से स्टार्ट करते हैं, जो सर्कल में 11 दे रखा है और नीचे वाले सर्कल में 6 दे रखा है, तो 11 की गुणा 6 से करो, 11 छीक 66, बीच में 66 लिख दो। अब 6 18, बीच में 18 आ गया, 3 6 12, तो बीच में 12 आ गया, 4 7 28, तो बीच में हमने 28 लिख दिया रेक्टेंगल में। अब 7 2 14, यानी 7 2 14, तो आयत में 14 आ गया। अब 8 2 16, 8 2 16, 16 लिख दिया, 8 9 72, 72 आ गया, और 9 × 11, 99 हो गया। ऐसे हमारा ये ऑक्टागन पूरा हो गया। नेक्स्ट ऑक्टागन आप करने की कोशिश कीजिए, और ना आए तो आप यहाँ से देख सकते हो और समझ सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा वीक 16 का क्लास 5th का मैथ्स का असाइनमेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें।